सोफी का मैंने पैकेट बर्गर पैटी का खोल दिया और ये बर्गर पैटी जो है अब हम इसे लेके फ्राइंग पैन में फ्राई कर लेंगे, क्योंकि मेरे बेटे को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, चिकन पैटी बर्गर बने हुए हमसे, तो हम जो है रखते हैं अंदर पैक करके चीज़ों में। अच्छा जी, तो शूज मैंने पहन लिए हैं और मैं हो गई हूँ रेडी टू गो आउट। एंड आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मेरे ड्रेसिंग सेंस को, माय स्टाइल ऑफ सर्विंग। एंड हेयर इन द चीज वैली, बहुत चीजें ले ली अपने बेटे के लिए, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे इसके पास। ये चप्पल मैंने ली है, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको, आप बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी ज्वेलरी सेक्शन में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी सारी ह्यूज वैरायटी लगी हुई है ज्वेलरी की, और समझ नहीं आता कि इंसान क्या ले और क्या ना ले। बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे सेट्स लगे हैं, जैसे कि ये चप्पल बहुत प्यारी से पकौड़े खा खा के ना मैं तो आ गई थी तंग। तो आज कुछ साजा सा चावल के साथ सालन जैसे या रोटी के साथ कुछ खाने का दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मूंग की दाल बना लेते हैं। तो अभी मैंने जस्ट हंडिया में ऑयल डाला है और इसके बाद जो है मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगा। अदरक लहसुन का पेस्ट जब तक भून रहा है मैं इसमें बाकी मसाला प्याज भी अब ऐड कर लूँगी। इसमें जो है थोड़ी सी हल्दी भी आएगी, थोड़ी सी सूख मिर्च भी आएगी, धनिया पाउडर भी आएगा। धनिया पाउडर एंड हो रहा है, मैंने लेके आना है। धनिया पाउडर भी गया है हमारे थोड़ी सी, और मसाले को जो है हम थोड़ा सा भुनने देंगे, उसके बाद पानी और दही ऐड करेंगे। मसाला तकरीबन भुनाई की जाने वाली है, अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जल ना जाए ना मसाला, और थोड़ा सा योगर्ट दही मैंने लिया है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी आँच तेज करके हम मसाले को भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो फिर ये मूंग की दाल जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है, तो इसमें अब मैं ये जो है ना मूंग की दाल ऐड कर दूँगी। ठीक है, दाल भुन गई है। भुनी भी मसाले वाली दाल बना रहे हैं। मसाला अच्छी तरह भुन गया, अब इसको जो है पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे दाल। जब ये गल के रेडी हो जाएगी दाल तो फिर मैं ऊपर से इसमें हरी मिर्च कुतर के डालूंगी, हरा धनिया कुतर के डालूंगी जब ये रेडी हो जाएगी। तो
जिसकी आंच धीमी करके शुगर में रख देते हैं। अच्छा सॉरी, मसाले में नमक डालना है, भूल गए, थोड़ा सा नमक भी हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर नहीं, पहले कम क्या सारे की मैं ना खड़े खड़े समोसों के अंदर से तेल इतना पी गए, वो उनके वो तेल टपक रहा था समोसे। फिर अभी मैंने ना भात लगाई है कि भाई कितने बजे गैस आती है ताकि मैं उतनी बजे जो है वो पकाऊं। बच्चों का नाश्ता, मिये का नाश्ता, बच्चों के स्कूल के लंच वो सब कुछ 5 बजे बना बनू के ना उन्होंने टिफिन में डाल के रख देती थी। अच्छा। चाहे भी 5 बजे ऊपर चूल्हे पे रख देती थी, वो होती थी गैस चले जाएगा ना, चलो हल्के गैस के ऊपर चाहे तो पक जाएगी, पक जाएगी हाँ, ते और कोई चीज नहीं पकेगी, वही गैस वाले ने तो पागल कर। मैं कुछ ऊपर रखती ना बना बनू के रख देती थी, फिर खाना जो जो चीज रखो साटे में सुसरियां पड़ जाती हैं, दालों में भी कोई भी चीज सलामत नहीं है। अच्छा मैं समझी हूँ, मैं ही कम हूँ, सब लोग गैस से कम है, सब लोग सब है, मैं समझी कि मैं अकेली रो रही हूँ। नहीं नहीं दादी, पूरे ऐसे आप परेशान हो, सब लोग परेशान हो, है ना। बकरी की गोश्त की भाई ये देखे, हमारी कुलसुम बाजी कितने नाज नखरे उठाती हैं, मुझे हॉटपॉट धो के खुश करके देती हैं कि इसमें रोटियां रखो। अब इतनी आदतें बिगाड़ दी मेरी, अब ये चली गई तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं रोऊंगी, मेरा कौन काम करेगा। मैं चपातियां पका रही हूँ, मुझे कह रही है हॉटपॉट चुका चुका के दे रही है मुझे, देखो जरा मुझे बिगाड़ दिया है ना, है ना। वो आज हम इस बात पे टॉपिक पे बात कर रहे थे कि गैस जो है ना वो इतनी स्लो आती है, उस धोखे में हंडिया चढ़ा के आप चले जाएं, जब वापस आए हंडिया आपको एकदम जगदम यकदम जलीब जलीब ही मिलेगी। हमारी चपातियां महसूस हो गई, और ये मुझसे छीन के अब कुलसुम बाजी ने चपातियों का चार संभाल लिया है, जज्बाती हो गई। इंग्लिश रोटी बना रही है मेरे लिए। आज मैं गई थी बाजार में, थोड़ी खराब हो गई थी ना स्टॉप वॉच कहते हैं टाइम पीस, सॉरी स्टॉप वॉच कह रहे थे, गर्मी के मारे क्या हाल है, तो वो बज नहीं रहा था अलार्म, तो आज मैं नया खरीद के लाई हूँ, अपने बेटे को हैंड वॉच भी दिला के लाई हूँ, दिला के क्या लाई, जबरदस्ती ले ली उसने, अपनी शॉपिंग खुद शुरू कर देता। 2 बजे से बाद गैस खोल हो जाता है। हाँ बस धोखा ना खाइए, 2 बजे काम शुरू कीजिए, गैस पाइए, ये ख्याल रखना है ना, ना फिर 2 बजे फिर पहले शुरू करोगी तो थक, अरे यार थक क्या पागल हो जाते रोने। अच्छा जी, दाल अपने जो है लास्ट स्टेजेस पे है, तो अब इसमें मैं जो ये हरी मिर्च जो है थोड़ी सी कुकर के ऐड कर दूंगी, तकरीबन 70-80% दाल डन हो गई है, हरा धनिया भी कुकर के ऐड कर लेते हैं दाल में, दाल जो है हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। थोड़ा सा दम पे रखूंगी मैं इसको, बेचारा वो